धनबाद में बूढ़ा पंडाल में बाबा केदारनाथ की थीम पर पंडाल बना है। पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां देखने को मिली। शारदीय नवरात्र की आज षष्ठी तिथि है और अभी हम धनबाद के बूढ़ा इलाके में हैं और सामने देख सकते हैं कि इतना आकर्षक, इतना भव्य पंडाल है और इस पंडाल को बाबा केदारनाथ के स्वरूप को देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से बाबा केदारनाथ के यहाँ नजारा होता है, बाबा केदारनाथ की मंदिर है और वहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु कष्ट झेलते हुए पहुँचते हैं उसे दर्शाने की कोशिश, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे दर्शाने की कोशिश यहाँ की पूजा कमेटी के सदस्यों के द्वारा सामने में भगवान शिव का भव्य प्रतिमा और अत्यंत ही आकर्षक और ठीक उसके बगल में नंदी महाराज को इतने साइड में भी नंदी महाराज को दर्शाया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सोच के साथ कमेटी ने, पूजा पंडाल के लोगों ने, पूजा कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर बाबा केदारनाथ को दर्शाने की कोशिश की है। सामने जो पूजा समिति से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कब से यहाँ पर पूजा हो रही है और यहाँ पर जो इस बार आप लोगों ने तैयारी की है उसे कितना समय से आप लोगों ने शुरू किया था। 1995 में ये पूजा आपका श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गार्डन रोड पूजा 1995 से विगत 28 वर्षों से लगातार हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। इस बार हम लोग केदारनाथ धाम थीम के ऊपर पंडाल किए हैं। ये पंडाल वेस्ट बंगाल के मिस्त्री बराकर के हैं। ये उन्होंने इसको डिजाइन किया और बनाया है। अपना माँ का पट भी आज ही खुला। हाँ, माँ का पट भी आज ही खुल गया। कब से आप लोग तैयारी करते हैं, खासकर इस पंडाल के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी? एक महीना पहले से तैयारी किया गया है इसमें। एक महीना पहले से इस पंडाल को बनाने के लिए कितने का खर्च आया? पंडाल को लगाने हमारे को बजट आता है। हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन करके ही पैसा इकट्ठा करते हैं। कितने लोगों की भीड़ होती है भैया? अगर अनुमान लगाया जाए तो लाखों की भीड़ यहाँ पर। प्रत्येक दिन कितने की भीड़? जैसे आज सस्ती है तो आज कितने की होगी? अभी तक तो हमारे कम से कम 5-6 हज़ार आदमी पार कर चुके हैं अनुमान जहाँ तक है। सुबह से या शाम? नहीं, शाम से। सुबह से तो हम लोग लगे हुए थे शाम से। और माँ का पट आज खुला है और अष्टमी, नवमी और दसवीं ये 3 दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। और इस बार जो थीम बना है हमारा केदारनाथ का, ये वाकई में इस पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही उत्साह वाली बात है और सारे श्रद्धालुओं में एक उत्साह है। बिल्कुल, जिस तरह से बाबा केदारनाथ को दर्शाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं जब आएंगे तो उन्हें एक अद्भुत अनुभूति होगी। हम थोड़ा सा अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि अगर श्रद्धा अगर है तो बाबा केदारनाथ के दर पे आप बहुत ही भले ही मुश्किल जगह है लेकिन आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ बाबा केदारनाथ के मंदिर में जो माँ दुर्गा विराजमान हो रही है, साथ में अलग अलग जगहों पर देखें तो लोग सेल्फी और फोटो खिंचवाने में भी कहीं ना कहीं इस जगह पे पीछे नहीं हटेंगे। और अपने आप में ये अद्भुत नज़ारा जो है, सामने देखिए भगवान भोलेनाथ और प्रतिमा यहाँ पे अंदर में आपको नज़र आएगी। यहाँ पर भी अगर आप पहुँचेंगे तो, और अंदर में एक तरह से बर्फबारी का नज़ारा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बर्फबारी जो बाबा केदारनाथ के धाम में जो बर्फबारी देखने को मिलती है उसे यहाँ पर कृत्रिम तरीके से दिखाने की कोशिश। सामने भव्य से और अत्यंत आकर्षक शिवलिंग का नज़ारा। और हम अगर बात करें प्रतिमा की तो यहाँ जो प्रतिमा दर्शाई गई है और आज ही माँ का पट खुला है तो यह ही अत्यंत ही यह भी आकर्षक दृश्य है। और अगर आप धनबाद में पूजा पंडाल घूमने आते हैं तो जरूर केदारनाथ का दर्शन जरूर करके जाइए और भूदा आना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ दुर्गा के साथ साथ बाबा भोलेनाथ की भी दर्शन होगी, उनकी कृपा आपको मिलेगी। तो अगर आप धनबाद में हैं या धनबाद का पूजा पंडाल देखने अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो भूदा जरूर आए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो,
जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध दही लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।